नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा को व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन दिया। जी हां, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के एसपी सिटी कार्यालय जाकर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य उनकी मांगे थी कि धनतेरस दीपावली त्योहार पर व्यवस्थाओं को लेकर 5 सूत्रीय मांग पत्र पर उद्योग व्यापार मंडल समस्त व्यापारी समाज को मद्देनजर रखते हुए इन समस्याओं पर तत्काल निदान करने की कृपा की जाए। व्यापार मंडल मांग करता है कि त्योहारों पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारी समाज का उत्पीड़न ना किया जाए। व्यापार मंडल धनतेरस दीपावली पर सदर बाजार एवं अन्य घने बाजारों में 4 पहिया वाहन ठेले ई रिक्शा पर मुख्य बाजारों में सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक आवागमन सदर बाजार तक रोका जाए। व्यापार मंडल धनतेरस पर सराफा की दुकानों के आसपास पुलिस विभाग पुलिस व्यवस्था रात्रि तक दूरस्थ रखी जाए। बता दें कि त्योहारों पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखी जाए तथा खाद्य विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा छापे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाए। बाजारों में नगर निगम द्वारा साफ सफाई त्योहार पर रंगोली की व्यवस्था कराई जाए। इसी बीच एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा का कहना था कि जो भी आपकी मांगे हैं वह निंदनीय मांगे हैं, हम इन पर टीम को गठित करेंगे और आवागमन में जाम की व्यवस्था उत्पन्न ना हो और सब सुचारू रूप से चलता रहे, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे बाजारों में किसी भी प्रकार की व्यापारियों को और किसी भी आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। क्या कुछ कहना था व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा का, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आज हम आपके चैनल के माध्यम बता दें कि आज संपूर्ण फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के समस्त बाजारों के बाजार कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री एवं हमारे संरक्षक एवं हमारे संगठन के जिले के नगर के युवा के महानगर के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप में प्रतिनिधि के रूप में आज स्थानीय अपर पुलिस अधीक्षक साहब के समझ इस आशा के साथ आए हैं कि आगामी कुछ दिनों के बाद 2-4 दिनों के बाद पंच दिवसीय त्यौहार दीपावली पर्व कहा जाता है। भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे उसके रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस उत्सव की बेला पर बाजारों के अंदर जो अव्यवस्था फैल जाती है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित हो सके उन निम्न बातों के साथ आज हम व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी हमारे जिले के महामंत्री श्री परम बड़े भाई कौशल किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में हम लोग आज अपनी मांगों रखते हुए यहाँ आए हैं, जिसमें हमने प्रथमता के साथ प्रथम मांग ये रखी है कि त्योहारों पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न कतई न किया जाए। नंबर 2, दीपावली पर सदर धनतेरस दीपावली पर सदर बाजार एवं अन्य घने बाजारों में 4 पहिया वाहन टिर्री, चाहे वो किसी व्यापारी की गाड़ी हो 4 पहिया की, चाहे वो किसी अधिकारी की हो, उसको नो एंट्री के तहत उसको अंदर एंट्री न दी जाए, जिससे बाजार की अव्यवस्था खराब होती है। दूसरा, ई रिक्शा जो बाजारों में दौड़ रहे हैं इस समय, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो चाहे 38 साल का व्यक्ति हो, ई रिक्शा टक्कर मारते हैं, बहनें माताएं बुजुर्ग हमारे उससे दिक्कत पैदा हो रही है, बाजारों में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ई रिक्शा को इन 5 दिन त्योहारों पर कम से कम तत्काल प्रभाव से मुख्य बाजार जो घने बाजार हैं जो हाट बाजार हैं उनमें रोका जाए, ये हमारी मांग है। तीसरी बात, बाकी धनतेरस इस दिवाली का पड़ने वाला प्रथम त्यौहार धनतेरस जो धन लक्ष्मी जी का त्यौहार है, इस दिन लोगों की आस्था होती है कि सोने चांदी की वस्तुओं खरीदने की, तो इसलिए सदर बाजार के अंदर लगभग 70-80 दुकानें सराफे की हैं जो स्थानीय सेंटर चौराहे से लेकर घंटाघर तक हैं। तो हम जब मांग करते हैं इन सराफों की दुकान रात्रिकालीन 2-3 बजे तक बंद हो पाती हैं, तो इनकी सुरक्षा की दृष्टि के तहत पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए जिससे कहीं कोई जनहानि या माल हानि ना हो सके। 5वीं बात आपको बता दें, खाद्य विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा जो ये त्योहारों पर ही ये विभाग सक्रिय होते हैं, कहीं इसमें ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो अपनी गंदी सोच की मानसिकता रखती हैं, तो इन विभागों द्वारा व्यापारी का उत्पीड़न कतई न किया जाए, ये हमारी मांग प्रमुखता के साथ है। दूसरी हम और मांग है इसमें नगर निगम की। नगर निगम में बता दूं, हम पूर्व से हम वही जंग लड़ते हुए आ रहे हैं, हमारे कुछ व्यापारी जो स्थानीय बस स्टैंड से उजड़ गए थे, जिनकी 8 तक दुकानें मुहैया नहीं हो पाई, 16 दुकानें जो पूर्व में हमारे नगर आयुक्त साहब ने भी हमको आश्वस्त किया था वो दुकानें आज तक हमारी ये नगर निगम के नगर आयुक्त साहब से ये विनम्र अपील के साथ निवेदन है और ये हम आगाह करते हैं कि दीपावली पर्व पर उनको व्यापार उनको वापस कर दिए जाएं, उनकी दुकानें दे दी जाएं खोखे के रूप में और एवं बाजारों के अंदर रंगाई पुताई रंगोली झाड़ू व्यवस्था सफाई व्यवस्था ऐसी की जाए
जो डस्टिंग भी दुकानों के अंदर न जाए उसको रात्रिकालीन साफ सफाई कराई जाए। इन मांगों के साथ प्रमुखता के साथ फरीदाबाद उद्योग व्यापार अपने व्यापारी भामा साहब को साथ लेकर आज इस आशा के दिवाली के पर्व पर अपने पांच दिवसीय त्योहारों को शांतिपूर्वक हम मनाते आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाईचारे को देखते हुए आज हमारे साथ में सभी व्यापारी समाज के लोग हैं। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। जी पांडा जी, आज एसपी सिटी ऑफिस पर किस तरह का ज्ञापन दिया? देखिए, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष पंडित रविंद्र लाल तिवारी के निर्देशानुसार और मेरे नेतृत्व में और सुनील अग्रवाल जो हमारे युवा के जिलाध्यक्ष हैं, एक क्रांतिकारी टीम है। उस फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल की टीम में दुष्यंत यादव जी हैं, अमित बासड़े जी हैं, शुभम राजपूत हैं, हमारे खां साहब हैं, हमारे सरदार जी हैं, विजय भम्बानी हैं, अभय जी हैं, चंदू चक हैं और ये तमाम हमारे संरक्षक महोदय हैं और हमारे खां साहब अमर जी हैं, उमर जी और तमाम भाइयों ने आके यहाँ पर एसपी सिटी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारे भाई ने सुनील ने विस्तार से बताई दिया है, उसको रिपीट करना गलत है। मेरा केवल और केवल इतना कहना है कि जो चीजें हमने ज्ञापन में दी हैं और आश्वस्त किया है एसपी सिटी महोदय ने, क्योंकि वास्तव में एसपी सिटी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में जो भी पुलिस प्रशासन काम कर रहा है शानदार, हम सराहना भी करते हैं, उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत करिए, व्यापारी हितों की ज्यादा से ज्यादा जो बातें आपने कही हैं उनका अच्छे से हम लोग पालन करेंगे और आपको समस्याओं से निजात दिलाएंगे। हम लोग खुश होके आए, उन्हें शुभकामनाएं देके आए और दीपावली के शुभ त्योहार पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये संकल्प लें कि इस त्योहार को हम अच्छी तरीके से मनाएं, यही फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल की कामना है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि दीपावली का त्यौहार सन्निकट है, उससे पहले भी धनतेरस, छोटी दीपावली, भैया दूज आदि भी मनाए जाएंगे त्यौहार। इसको लेकर के मार्केट में खरीदारी भी बहुत होगी और भीड़ भाड़ भी बहुत होगी। इसको लेकर के फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल वालों ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमसे डिमांड किया है। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त कर दिया है कि हमारा डिप्लॉयमेंट इस तरह का होगा कि कहीं किसी को असुविधा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तो कुछ विद्युत विभाग से संबंधित मांगे हैं, कुछ खाद्य विभाग से संबंधित हैं, उसके लिए हम संबंधित विभागों से पत्राचार करेंगे।